Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome once again to Anything and Everything. I am Sam. Today what I'm going to do is I'm going to teach you a fun way that you can improve your vocabulary. Alright. Ab ye kya tarika hai? Iska naam humne jo diya hai, wo hai word association. Theek hai? Word association. Now what does that mean? Do bande. यानी कि ज्यादातर इसके अंदर यानी कि आपस में मिलके इसको करेंगे ठीक है ना. व्हाट यू डू इज एक ही कॉपी ले लें, एक पेज ले लें, राइट, एंड टू स्टूडेंट्स कैन सिट टुगेदर, वो बैठ जाए और कोई सा एक वर्ड लिख दें. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वर्ड, आसान सा वर्ड लिख देता हूँ, आर ई डी, रेड. ठीक है, अब आपने क्या करना है कि मैंने लिखा रेड, मेरे साथ जो स्टूडेंट बैठा है मैंने उसको कॉपी दे दी, वो इस रेड के आगे कोई ऐसा वर्ड लिखेगा जो रेड से मिलता होगा. यानी वो रेड के आगे लिख देता है रोज. ठीक है, अच्छा, अब कॉपी वापस मेरे पास आती है, मैं वर्ड देखता हूं रोज, मैं आगे लिख देता हूं ब्यूटीफुल. ठीक है, अब कॉपी उसके पास चली जाती है वापस. ठीक है, वो ब्यूटीफुल के आगे लिख देता है मी, यानी वो अपने पे लिख देता है कि मैं बड़ा ब्यूटीफुल हूं. तो आप हंसते हैं, कहते हैं यह बड़ी आपने बात की है, तो आप लिख देते हैं फनी. ठीक है, वो कहता है हा 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 फनी. अब कॉपी फिर आपके पास आई, आप फनी के आगे लिख देते हो मिस्टर बीन, कि भाई मिस्टर बीन फनी है. मिस्टर बीन के आगे आप लिख देते हो टीवी, क्योंकि वो टीवी पे आता है. टीवी के आगे वर्ड लिख देते हो एंटरटेनमेंट, कि वहां पे एंटरटेनमेंट नजर आती है. एंटरटेनमेंट के आगे आप लिख देते हो फन, फन भी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वर्ड है. फन के आगे आप लिख देते हो अगर आप पार्क, पी ए आर के, पार्क, पार्क में फन होता है. ठीक है, आपके पार्टनर के पास फिर जाती है, वो पार्क के आगे लिख देता है फ्रेंड्स. फ्रेंड्स मिलके पार्क में जाते हैं, फ्रेंड्स के आगे लिख देते हैं इंजॉय. इंजॉय के आगे कोई लिख देते हो आप गेम. ठीक है, गेम के आगे आप कोई भी वर्ड लिख देते हो, के कोई भी गेम का नाम लिख दो. ये देखो क्रिकेट लिख दो, पाकिस्तान में जरा चलती है इसलिए क्रिकेट. क्रिकेट के आगे आप किसी क्रिकेट प्लेयर का नेम लिख सकते हो, टीम का नाम लिख सकते हो. तो दिस इज कॉल्ड. ठीक है, और आपने क्या करना है कि दो तीन पेज भरने की कोशिश करनी है. ठीक है, किसी तरफ भी ये जा सकती है. नेम चले जाओ आप इसके आगे, यानी कि किसी क्रिकेटर का नाम लिख दो वो भी चलेगा, पाकिस्तान लिख दो वो भी चलेगा, कोई और टीम आपको पसंद है, फिर टीम के आगे चलते जाओ कि ये है उसमें वो है. गेम देखते वक्त हम पॉपकॉर्न खा रहे हैं या कोई ड्रिंक यानी कोक पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, एनीथिंग, पिज्जा, बढ़ते 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 स्कॉट वर्ड एसोसिएशन. यानी आगे पीछे वर्ड हर एक से मिलता है. ब्यूटीफुल है तो रोज है. ठीक है, रोज है तो वो ब्यूटीफुल है. रोज के पीछे रेड है. फनी है, फनी के आगे मिस्टर बीन है. मिस्टर बीन एंटरटेनमेंट है, उसके पीछे टीवी है. फन के पीछे एंटरटेनमेंट है. फन के आगे पार्क है. यानी कितर भी वो अगर आप ले जाओ उसको तो आपस में मिलते होंगे. दिस इंप्रूव्स योर वोकैबुलरी. ठीक है, एंड दिस इज हाउ यू डू इट, राइट. अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, राइट. एंड पे आप क्या कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू इज आफ्टर यू हैव डन टू पेजेस, अगर क्लास में कर रहे हैं और आप दो स्टूडेंट्स हो, देयर आर टू स्टूडेंट्स डूइंग दिस, राइट, तो आप दो पेज भर लेते हो. ठीक है ना. अच्छा, अब आपने क्या करना है कि फिर एक एक पेज लेके उसके साथ इंग्लिश बोलनी है. एक एक छोटे छोटे सेंटेंस बोलो, प्रैक्टिस होगी. कैसे, जैसे आप मेरे पास कॉपी आई है, मैं कहता हूं रेड इज अ कलर, राइट, एंड अ रोज इज most beautiful when it's in red color. Okay? Roses are so beautiful that everybody, when they look at roses, they feel happy because they are beautiful. I think that myself, me, I am very beautiful, and my friends think that that is very funny. Okay? And when they're saying that something is funny, only person that comes to mind is Mr. Bean, who's on TV. And he's very funny, he's on TV. When you're watching TV, there is a lot of entertainment that you can have and fun to watch on TV.
When we are talking about fun, you want to enjoy, you go to a park and you can have a lot of fun there. Mostly people go to park with their friends. I have a lot of friends and we enjoy a lot of things together, like playing games. My favorite game happens to be cricket. So this is another very good way that you can improve your English by practice. Again, practice, practice, practice. That's how you improve your English. ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हम आपको फिर और एक तरीका बताएंगे. तब तक के लिए आप इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.